नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। गुजरात में लगे पोस्टर, कुरान में बीफ खाने की मनाही। गुजरात सरकार द्वारा लगाए गए पोस्टर्स में दावा किया गया है कि कुरान में बीफ खाने पर मनाही है। पोस्टर में गौ सेवा और गौचर विकास बोर्ड की ओर से कहा गया है कि कुरान भी गाय को बचाए रखने की बात कहता है। इसमें कहा गया है कि पशुओं में गाय सबसे जरूरी है, इसीलिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसका दूध, घी और मक्खन दवाई के काम आता है, जबकि इसका मीट कई बीमारियों का कारण बनता है। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने इस दावे को नकारते हुए कहा है कि कुरान में बीफ को लेकर इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है। महंगा हुआ हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी जाना, मचा बवाल। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाओं पर 12.5% सेवा कर लगाने से हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा खासी महंगी हो गई। भाजपा और कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने मांग की कि जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई वाली सरकार राज्य में वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर सेवाओं पर सेवा कर लगाने के फैसले को वापस ले। इससे हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लेने वाले अमरनाथ एवं वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों पर असर पड़ेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने इस कर की तुलना जजिया से की। मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कहलाता है। जंगल में मिला कंकाल शीना का मैच हुआ इंद्राणी से डीएनए। सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड की छानबीन में एक सफलता मिलने का दावा करते हुए पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक जांच में ये पुष्टि हो गई है कि रायगढ़ के जंगलों से बरामद किए गए कंकाल के अवशेष के डीएनए नमूने इंद्राणी मुखर्जी और मिखाइल बोरा से मेल खाते हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट से ये स्पष्ट तौर पर साबित हो गया है कि इंद्राणी मुखर्जी मृतक शीना बोरा की मां है। मारिया ने कहा कि हमारी टीम संजीव खन्ना को कोलकाता ले गई, वहां से हमें जूते बरामद हुए जो संजीव ने तब पहन रखे थे जब वो और इंद्राणी शव को ठिकाने लगाने के लिए गए थे। हमने शीना के आभूषण का एक हिस्सा भी बरामद किया है।